यू वॉन्ट टू स्टार्ट मेकिंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ और आप यूट्यूब पे सर्च करते हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और आपको बहुत सारी वीडियोज मिलती है जो आपको बोलती है आप कॉन्टेंट राइटर बन जाओ, वीडियो एडिटर बन जाओ या फिर अपने नोट्स को ऑनलाइन सेल करो। आप बहुत मेहनत करते हो और 3-4 महीने के बाद आपको रियलाइज होता है कि अगर मैं पूरे 24 घंटे भी ये काम करता रहूं तब भी मैं 1 महीने में 1 लाख रुपए नहीं कमा पाऊंगा। बिकॉज द ट्रूथ इज ऑल ऑफ दीज आर गुड वेज टू मेक टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज एवरी मंथ बट इनसे आप हर महीने 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। हर मनी मेकिंग आइडिया का एक स्कोप होता है कि उस आइडिया से आप कितने पैसे कमा सकते हो। कुछ आइडियाज है जिनसे आप हजारों इजीली कमा लोगे लेकिन 10,000 से ज्यादा कमाना मुश्किल है। कुछ आइडियाज से आप 20-30,000 रुपए आसानी से कमा लोगे लेकिन लाखों कमाने मुश्किल है और कुछ आइडियाज होते हैं जिनसे आप लाखों कमा सकते हो बट करोड़ों कमाने मुश्किल है। तो आपको एक मनी मेकिंग आइडिया पिक करके एक एम्बिशियस टारगेट सेट नहीं करना वरना आप बर्न आउट हो जाओगे बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि उस आइडिया से आप कभी वो टारगेट हिट ही ना कर पाओ। इंस्टेड आपको एक एम्बिशियस टारगेट पिक करके उन आइडियाज को एक्सप्लोर करना चाहिए जिनसे आप वो टारगेट अचीव कर पाओ। और इस वीडियो में आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट आइडियाज यूजिंग विच यू कैन मेक 1 लाख रुपीज एवरी मंथ एज अ टीनेजर, कॉलेज स्टूडेंट और एज एन एम्प्लॉई। बट हु एम आई टू टेल यू हाउ टू मेक मनी? आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर एंड एजेंसी ओनर हु मेक्स लाख्स ऑफ रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम वेरियस इनकम सोर्सेज। और इसी के बारे में मैंने अपनी पिछली यूट्यूब वीडियो में भी बात की थी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट करना टू फाइंड आउट हाउ आई मेड ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज इन 1 सिंगल मंथ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वे टू मेक 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। बिफोर आई टेल यू अबाउट द आइडिया, आई वॉन्ट कि आप इन तीनों बुक्स को देखो और गेस करो कि इनमें कॉमन क्या है। श्योर, ये सारी बुक्स बेस्ट सेलर है और इनमें से एक बुक पे तो ऑस्कर विनिंग मूवी भी बनी है, बट इन सब बुक्स में एक और चीज कॉमन है। ये सारी बुक्स इनके ऑथर ने नहीं बल्कि घोस्ट राइटर्स ने लिखी है और इसी से इंस्पायर्ड है हमारा फर्स्ट वे टू मेक मनी विच इज बिकमिंग अ लिंक्डइन घोस्ट राइटर। इनफैक्ट मैं खुद एक लिंक्डइन घोस्ट राइटर ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं हर महीने 20-30,000 रुपए देने को तैयार हूँ इफ आई गेट गुड रिजल्ट्स। पर ये घोस्ट राइटर होता क्या है एग्जैक्टली? घोस्ट राइटर्स बेसिकली ऐसे कॉन्टेंट राइटर्स होते हैं जो किसी और के बिहाफ पे कॉन्टेंट लिखते हैं और उन्हीं के नाम पे उस कॉन्टेंट के पीस को पब्लिश करते हैं। सो लेट से मैं आपको हायर करता हूँ मेरे लिए एक किताब लिखने को जिसको मैं अपने नाम पे पब्लिश करूंगा, देन यू विल बिकम माई घोस्ट राइटर। एंड इफ आई हायर यू टू राइट लिंक्डइन पोस्ट फॉर मी देन यू विल बिकम माई लिंक्डइन घोस्ट राइटर। एंड ट्रस्ट मी, लिंक्डइन घोस्ट राइटर्स की इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, कॉन्टेंट क्रिएटर्स और व्हाइट कॉलर वर्कर्स को जो अपना लिंक्डइन गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बट उनके पास इतना टाइम नहीं है अपना लिंक्डइन कॉन्टेंट लिखने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू बिकम अ लिंक्डइन घोस्ट राइटर राइट नाउ। सबसे पहले अपने खुद के लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ और एक अच्छा कवर लगाओ जिसमें आपके बारे में लिखा हो। देन राइट अ गुड डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ एंड स्टार्ट क्रिएटिंग गुड लिंक्डइन कॉन्टेंट। बेसिकली अपने खुद के लिंक्डइन प्रोफाइल को थोड़ा एक्टिव और अट्रैक्टिव बनाओ। इसके बाद स्टार्ट रीचिंग आउट टू फाउंडर्स, कॉन्टेंट क्रिएटर्स, बिजनेसमैन एंड हाईली पेड एम्प्लॉइज ऑन लिंक्डइन। डायरेक्टली सेंड देम अ कोल्ड मैसेज ऑन लिंक्डइन एंड टेल देम कि आप एक प्रोफेशनल लिंक्डइन घोस्ट राइटर हो एंड यू विल राइट लिंक्डइन कॉन्टेंट फॉर देम। इसके लिए पहले से ही एक अच्छा लिंक्डइन कोल्ड मैसेज टेम्पलेट बनाओ और आपकी हेल्प करने के लिए हेयर्स अ लिंक्डइन कोल्ड मैसेज टेम्पलेट जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई और पर्सनलाइज कर सकते हो। और फाइनली अपनी इस सर्विस को प्रोडक्टाइज करो। प्रोडक्टाइज करने का मतलब है कि स्पेसिफिकली डिफाइन करो कि आप अपनी सर्विस में क्या क्या दोगे और उसके लिए आप कितने पैसे चार्ज करोगे। बिगनर्स के लिए चार्जिंग 5,000 रुपीज टू 10,000 रुपीज पर क्लाइंट फॉर राइटिंग 15-20 लिंक्डइन पोस्ट एवरी मंथ इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और अभी ये अमाउंट थोड़ा कम है बिकॉज रिमेंबर दैट वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और अभी हमारे पास कोई पोर्टफोलियो टेम्पलेट या रिजल्ट्स नहीं है दिखाने को। फिर ओवर टाइम जब आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स होगा और आपके पास रिजल्ट्स होंगे दिखाने के लिए कि देखो मैंने इस क्लाइंट के लिए एक वायरल पोस्ट लिखा या फिर इस क्लाइंट के मैंने एक ही महीने में 5,000 फॉलोअर्स बढ़ा दिए, तब आप अपनी सर्विसेज के लिए एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। यू कैन चार्ज 20,000 रुपीज टू 30,000 रुपीज फॉर द एग्जैक्ट सेम सर्विस, क्योंकि अब आपके पास एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई है एंड द अदर पर्सन विल ऑल्सो बी हैप्पी टू पे यू। एंड गेस वॉट, अगर आपने सिर्फ 5 क्लाइंट्स भी क्लोज कर दिए, एंड ट्रस्ट मी दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, अगर आप हर रोज 20-30 लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेजेस भेजोगे देन यू विल बी मेकिंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी अंडररेटेड बिजनेस आइडिया राइट नाउ। मैं खुद सोच रहा हूँ कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं और उस वीडियो में आई कैन ऑल्सो टेल यू हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू राइट लिंक्डइन पोस्ट एफर्टलेसली फॉर ऑल योर क्लाइंट्स। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा और आप क्या क्या चीजें जानना चाहते हो एक लिंक्डइन घोस्ट राइटर बनने के बारे में। अगर इनफ डिमांड हुई आई विल डेफिनेटली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। और एक बार आपने 5 क्लाइंट्स भी क्लोज कर दिए एज अ फ्रीलांस घोस्ट राइटर, यू कैन ट्रांसफॉर्म
transform your freelance service into an agency. And starting an agency is also the second money making idea of this video to make 1 lakh rupees every month. पर सबसे पहले समझते हैं कि एजेंसी एग्जैक्टली होती क्या है, मैं खुद कैसे लाखों रुपए कमा रहा हूँ एजेंसी रन करके, और 2023 की बेस्ट नीशेस क्या है एक एजेंसी स्टार्ट करने की एज अ स्टूडेंट. एजेंसी का सिंपली मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट हो. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको नेटफ्लिक्स शो इंडियन मैच मेकिंग से मिलता है, विच इज अ शो अबाउट सीमा तपारिया जो की एक एजेंसी रन करती है. किस चीज की एजेंसी? अरेंज मैरिजेस कराने की. सीमा इज सेलिंग अ वेरी स्पेसिफिक सर्विस जिसमें वो एक्सपर्ट है एंड जिसकी लोगों को डिमांड है, शादी के लिए रिश्ता कराने की. सिमिलरली बैंड बाजा बारात मूवी में भी रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा एक वेडिंग एजेंसी चलाते हैं जिसमें वो लोगों की शादियां करवाते हैं. बट डोंट वरी, मैं आपको वेडिंग की या इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने की एजेंसी स्टार्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दीज बिजनेसेस आर ऑपरेशनली वेरी वेरी हैवी एंड मार्जिन्स आर ऑल्सो वेरी लो. पर मैं चाहता हूँ कि आप एक डिजिटल सर्विसेज की एजेंसी स्टार्ट करो, एक ऐसा बिजनेस जो एक बहुत ही नीश और स्पेसिफिक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है. और ऐसी एजेंसी स्टार्ट करने में आपका कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो होगा और मार्जिन्स बहुत ज्यादा हाई होंगे. एंड हियर आर 3 डिजिटल सर्विसेज एजेंसी बिजनेसेस टू स्टार्ट इन 2023. सबसे पहली है वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी. एंड एज द नेम सजेस्ट, आप अपने क्लाइंट्स को वेबसाइट बिल्ड करके दोगे एज अ पार्ट ऑफ योर सर्विस. एंड दिस कैन बी एनी टाइप ऑफ वेबसाइट. ये एक पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, ये एक लैंडिंग पेज हो सकता है, ये एक बिजनेस की वेबसाइट हो सकती है, एनी टाइप ऑफ वेबसाइट. पर आप अपनी सर्विस को और भी ज्यादा नीच डाउन कर सकते हो. आप कह सकते हो कि हम एक पर्सनल वेबसाइट एजेंसी है जो एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को और क्रिएटर्स को पर्सनल वेबसाइट बनाकर देते हैं. और फिर आप इस सर्विस को प्रोडक्टाइज भी कर सकते हो. एंड लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, यू डोंट इवन हैव टू बिल्ड दीज वेबसाइट्स योरसेल्फ. आप सिंपली फ्रेमर या ड्यूरेबल जैसी AI टूल्स को यूज कर सकते हो इन वेबसाइट्स को लेस देन 30 सेकंड्स में क्रिएट करने में. सो मूविंग ऑन, दूसरी एजेंसी नीश है शॉर्ट फॉर्म रिपर्पोज्ड कंटेंट एजेंसी. और ये एजेंसी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म वीडियोस क्रिएट करके देगी अपने क्लाइंट्स को एग्जिस्टिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को यूज करके. दीज लॉन्ग वीडियोस कैन बी इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, टेडएक्स टॉक्स, सेमिनार्स और एनीथिंग. और इन्हीं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में से शॉर्ट फॉर्म वीडियोस क्रिएट करके आपको अपने क्लाइंट्स को इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे ग्रो करने में हेल्प करनी है. और मेरा क्रिएटर फ्रेंड अक्षर टोंगिया एग्जैक्टली यही काम करता है अपनी शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट एजेंसी कॉन्टेंट फ्लो में. एंड ही एक्चुअली मेड अ रियली डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर शॉर्ट फॉर्म वीडियो कॉन्टेंट एजेंसी. तो इसके बाद ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो. एंड फाइनली तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एजेंसी नीश इज मीम मार्केटिंग एजेंसी. एज यू कैन गेस, ये एजेंसी अपने क्लाइंट्स को मीम्स बना के देगी और उन्हें मीम मार्केटिंग करके ग्रो करने में हेल्प करेगी. एंड ऑनेस्टली इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी मीम मार्केटिंग एजेंसीज है जो बड़ी बड़ी कंपनीज को मीम मार्केटिंग करने में हेल्प करती है. बट काफी कम मीम मार्केटिंग एजेंसीज है जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स और छोटे छोटे स्टार्टअप्स को टारगेट करती है. तो ये एक काफी अच्छा नीश है वेयर यू कैन वर्क. पर ऑनेस्टली क्रिएटर्स के लिए मीम बनाने से भी ज्यादा पैसा आप खुद एक कॉन्टेंट क्रिएटर बन के कमा सकते हो. एंड क्रिएटिंग कॉन्टेंट इज द थर्ड वे टू मेक मोर देन 1 lakh rupees एवरी मंथ दैट वी विल डिस्कस टूडे. नो, एक्चुअली आई एम रॉन्ग. मेकिंग 1 lakh rupees एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर इज एक्चुअली एन अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि कॉन्टेंट क्रिएशन वो फील्ड है जहां स्काई इज द लिमिट. एंड ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन आई से दिस, स्कूल और कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट टाइम टू बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, क्योंकि ये वो फेज ऑफ लाइफ होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है. आप बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्ट और पैशन को एक्सप्लोर कर पाते हो और आप में बहुत ज्यादा एनर्जी और एंथुजियाज्म होता है कुछ बड़ा करने का. नाउ आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, कि ठीक है यार कंटेंट क्रिएटर तो बन जाऊं मैं, बट मैं कंटेंट बनाऊं किस चीज के बारे में? ये डाउट हर किसी के मन में होता है और यही सवाल 99% लोगों को रोकता है एक कंटेंट क्रिएटर बनने से. उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम कंटेंट बनाए तो बनाए किस चीज के बारे में. और इसका मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन देता हूँ. भूल जाओ कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, भूल जाओ पैसे कमाने के बारे में. सिंपली ऐसा एक सब्जेक्ट या टॉपिक सोचो जिसके बारे में आपको बात करने में बहुत मजा आता है, जिसके बारे में आप अपने दोस्तों से या फैमिली से घंटों तक बात कर सकते हो. एंड दैट विल बी द नीच दैट यू शुड सेलेक्ट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. फॉर मी दैट वाज फाइनेंस एंड आई बिकेम अ फाइनेंस क्रिएटर. अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात करने में मजा आता है, देन स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस ऑन करंट अफेयर एंड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टॉपिक्स. अगर आपको फैशन पसंद है, देन बिकम अ फैशन क्रिएटर. अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स इन योर वीडियोस. इन फैक्ट लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, क्रिकेट एंड स्पोर्ट आर वन ऑफ द नेक्स्ट बिग नीशेस इन द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री. बहुत कम अच्छे क्रिएटर्स है इंडिया में स्पोर्ट्स के. तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट या स्पोर्ट्स इन जनरल के बारे में बातें करनी पसंद है, देन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड स्पोर्ट. एग्जैक्टली ऐसा ही मेरे कॉलेज फ्रेंड फॉर्मुला गाय ने किया था, जिसको फॉर्मुला 1 में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. एंड ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन फॉर्मुला 1 ऑन इंस्टाग्राम और 6 ही महीने
में ही गॉट 50,000 फॉलोअर्स। मैंने भी जब YouTube पे फाइनेंस और मेकिंग मनी की वीडियोस बनानी स्टार्ट की तो आई वेंट फ्रॉम 0 to 1 lakh सब्सक्राइबर्स इन लेस देन 1 month। और अगर आप पहली बार आए हो मेरे इस चैनल पे देन डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी मनी मेकिंग एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक मनी। एक कॉन्टेंट क्रिएटर प्राइमरली दो तरीकों से पैसा कमाता है, एक सस्ता तरीका और एक स्मार्ट तरीका। सस्ता तरीका है ब्रांड कोलैबोरेशन, एंड दिस इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट वे टू मेक मनी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। ब्रांड कोलैबोरेशन का सिंपली मतलब होता है जब एक ब्रांड आपको पे करता है अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, और यूजुअली इन ब्रांड्स का और आपके कॉन्टेंट का टारगेट ऑडियंस सेम होता है। तो अगर आप एक फाइनेंस क्रिएटर हो आपको फिनटेक ब्रांड्स मिलेंगे, अगर आप एक फैशन क्रिएटर हो तो आपको फैशन ब्रांड्स मिलेंगे। पर ब्रांड कोलैबोरेशन करके आप लाखों जरूर कमा लोगे लेकिन करोड़ों नहीं कमा पाओगे। करोड़ों कमाने के लिए आपको खुद एक ब्रांड बनना होगा और अपनी ऑडियंस को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी होगी। और दूसरा तरीका एज अ कंटेंट क्रिएटर पैसे कमाने का भी यही है कि आप डायरेक्टली अपने ऑडियंस को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करो। फॉर एग्जांपल फाइनेंस विद चरण ने अपनी ऑडियंस को फाइनेंस के कोर्सेज सेल करे, या फिर टेक बर्नर ने अपने ऑडियंस को मोबाइल कवर सेल करे। एंड यू ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड कि आप कितना पैसा कमाओगे ये आपकी नीश पे भी डिपेंड करेगा। हाइपिंग नीश के क्रिएटर ज्यादा पैसे कमाते हैं एज कम्पेयर टू एवरेज नीश के क्रिएटर्स। तो अगर आप फाइनेंस कॉन्टेंट बनाते हो देन यू विल प्रोबेबली मेक मोर मनी देन समवन हु मेक्स फैशन कॉन्टेंट और फनी कॉन्टेंट। इन फैक्ट माई क्रिएटर फ्रेंड शिवांश गर्ग, ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट मेंटर ऑन इंस्टाग्राम, स्टार्टेड सेलिंग हिज कोर्सेज ऑन हाउ टू मेक मनी यूजिंग AI, और पहले ही महीने में ही क्रॉस 7 lakh रुपीज इन रेवेन्यू। कैन यू बिलीव दैट? AI कोर्सेज इस वक्त बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं। इट्स अ गोल्ड माइन इन दी कोर्सेज इंडस्ट्री राइट नाउ, एंड क्रिएटिंग AI कोर्सेज इज ऑल्सो दी फोर्थ वे टू मेक 1 lakh रुपीज एवरी मंथ दैट वी विल डिस्कस नाउ। हम लोग इस वक्त एक AI बूम देख रहे हैं और ये बहुत ज्यादा सिमिलर है अर्ली 2000 के टेक बूम से। और हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स ने और इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, बट एक और कैटेगरी के लोगों ने बहुत पैसा कमाया था जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो थे एजुकेटर्स। ऐसे टीचर्स जो लोगों को इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एंड कोडिंग के बारे में सिखा रहे थे। बिकॉज एवरीवन वांटेड टू गो ऑनलाइन एंड गेट इनटू टेक, बट वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली न्यू हाउ टू वर्क विद टेक। सिमिलरली इस AI बूम में भी हर कोई AI टूल्स को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, बट बहुत कम लोगों को AI टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना आता है। हाँ, हम सब लोगों को पता है कि ChatGPT को यूज करके ईमेल्स कैसे लिखे या असाइनमेंट कैसे करे, बट दिस इज जस्ट दी टिप ऑफ दी आइसबर्ग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको स्पेसिफिक और नीच AI टूल्स की नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है, और उन्हें यूज करना आना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और एग्जैक्टली यही चीज आप लोगों को सिखाओगे AI टूल्स पे कोर्सेस क्रिएट करके। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा एजुकेटर या कंटेंट क्रिएटर होने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई थी एक 23 साल के लड़के के बारे में जिसने ChatGPT पे एक बिगनर कोर्स बनाया, एंड 3 ही महीने में ही मेड नियरली 35 lakh रुपीज बाय सेलिंग दैट कोर्स। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस लड़के की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी में कोई भी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन नहीं थी। उसने सिंपली ChatGPT को अच्छे से सीखा और उस पे कोर्स बना दिया बिगनर्स के लिए। सिमिलरली आपको भी एक अच्छा AI टूल पकड़ना है और एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है जिसको आप एक कोर्स बेचोगे। आप वेब डेवलपमेंट टूल्स जैसे कि फ्रेमर या ड्यूरेबल चूज कर सकते हो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, एंड उनको वेबसाइट बिल्ड करना सिखा सकते हो यूजिंग AI। या फिर आप कोडिंग असिस्टेंट टूल्स जैसे कि गिटहब, ऑटोपायलट या OpenAI कोडेक्स चूज कर सकते हो और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखा सकते हो। मैं वापस अपने फ्रेंड शिवांश गर्ग की बात करूं तो उसने अपने AI कोर्स में सिखाया था हाउ यू कैन बिकम अ लिंक्डइन घोस्ट राइटर यूजिंग ChatGPT। तो यहां उसने ChatGPT सिखाया एस्पायरिंग लिंक्डइन घोस्ट राइटर्स को। एंड अनदर थिंग दैट ही टॉक्ड अबाउट इज हाउ टू मेक मनी बाय सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, एंड दिस इज ऑल्सो आवर फाइनल मनी मेकिंग आइडिया टू मेक 1 lakh रुपीज एवरी मंथ। अगर मैं अभी एक टीनेजर या कॉलेज स्टूडेंट होता तो मैं डेफिनेटली डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके पैसे कमा रहा होता। और डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली ऐसे कोई भी प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप डिजिटल फॉर्मेट में सेल करके पैसे कमा सकते हो। दिस कुड बी एन ऑनलाइन कोर्स, एन ईबुक और डिजिटल प्रिंटेबल्स। पर इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली डिजिटल प्रिंटेबल्स की बात करना चाहता हूँ। डिजिटल प्रिंटेबल्स आर डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी डाउनलोडेड, समटाइम्स कस्टमाइज्ड एंड देन प्रिंटेड बाय द यूजर। फॉर एग्जांपल रेज्यूमे टेम्पलेट्स, डिजिटल प्लानर्स या फिर वॉल आर्ट्स।
ये सब ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स है जिनको आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। और सबसे पॉपुलर मार्केट प्लेसेस जहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को बाय और सेल कर सकते हो वो है Etsy.com एंड क्रिएटिव मार्केट प्लेस। डिजिटल प्रिंटेबल सेल करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से टाइप का डिजिटल प्रिंटेबल सेल करोगे। क्या वो एक डिजिटल प्लानर होगा, या फिर वो एक वॉल आर्ट होगा, या फिर वो एक बिजनेस कार्ड होगा, यू डिसाइड। इसके बाद आप सोचो कि आपके इन डिजिटल प्रिंटेबल्स का थीम क्या होगा। लेट्स से कि आप वॉल आर्ट सेल करोगे तो विल इट हैव अ फ्लोरल थीम, या विल इट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम पॉप कल्चर, और विल इट बी अ मोटिवेशनल कोट। सोचो कि किस टाइप के डिजाइन की डिमांड सबसे ज्यादा होगी, और इसके लिए आप Etsy कीवर्ड सर्च टूल्स जैसे कि अलूरा का यूज कर सकते हो जो आपको बताएगा मोस्ट सर्च्ड वॉल आर्ट्स के बारे में। फिर एक बार आपने अपने थीम और कॉन्सेप्ट्स को फाइनलाइज कर दिया, देन स्टार्ट क्रिएटिंग दीज डिजाइंस। इफ यू नो हाउ टू डिजाइन यूजिंग कैनवा और फोटोशॉप तो आप खुद ये डिजाइंस क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप किसी फ्रीलांसर से भी पार्टनर कर सकते हो जो आपको डिजाइंस पे करेगा इन रिटर्न ऑफ अ वन टाइम पेमेंट और अ कमीशन। बट थैंक्स टू सैम ऑल्टमैन हमारे पास एक और ऑप्शन है डिजाइन क्रिएट करने का, एंड दैट इज बाय यूजिंग AI टूल्स लाइक Midjourney एंड Stable Diffusion। अपने AI को डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स दो अपने डिजाइन के बारे में, और बार-बार मल्टीपल आइट्रेशंस कराते रहो जब तक आप सैटिस्फाई ना हो जाओ डिजाइन से। एंड रिमेंबर, सेलिंग डिजिटल प्रिंटेबल्स इज अ नंबर्स गेम। आप 2-3 डिजाइंस क्रिएट करके उन पे सारा बेट नहीं लगा सकते कि ये डिजाइंस तो पक्का बिकेंगे। आपको कम से कम 50-100 डिफरेंट डिजाइंस क्रिएट एंड लिस्ट करने होंगे टू सी सम गुड रिजल्ट्स। फिर होगा क्या कि आप एक पैटर्न नोटिस करने लगोगे कि किस टाइप के डिजाइन चल रहे और किस टाइप के डिजाइन नहीं चल रहे हैं। एंड रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माय फॉलोअर्स हु स्टार्टेड सेलिंग डिजिटल प्रिंटेबल्स ऑन Etsy, और पहले ही महीने में ही मेड नियरली 20,000 रुपीस। सो ट्रस्ट मी, ऑल दीज आइडियाज वर्क, एंड ऑल ऑफ दीज आर गुड वेज टू मेक 1 लाख रुपीस एवरी मंथ। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हसल करते रहो और नेवर गिव अप।